हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। अगर ये वीडियो आपने दोस्तों देख ली तो आपके 2 नंबर हरियाणा जीके में पक्के मान के चलिए। तो जो कल हमने पढ़ा था सिख धर्म, उसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने जो पांच अनिवार्य वस्त्र थे, कड़ा, कंघा, केस, कृपाण, कच्छा, वो इन्होंने चलाया। तो आपसे पूछे कि पांच अनिवार्य वस्त्र किस गुरु ने चलाए, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, 10वें गुरु ने। और आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। इस क्रांति से चाहे तो हरियाणा जीके की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, चाहे इंडिया जीके में, लेकिन क्वेश्चन 100% आएगा। 1857 की क्रांति थी। इस क्रांति का कारण क्या था? क्योंकि 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इनफील्ड राइफल्स मंगाए थे दोस्तों, इंपोर्ट करवाए थे। वह इनको सस्ते पड़ते थे, वो बनते थे जो गाय की चर्बी वह सुअर की चर्बी से। तो एक तरफ इसके गाय की चर्बी थी और दूसरी तरफ सुअर की। तो जो मंगल पांडे था इसने इसका सबसे पहले विद्रोह किया था। तो जो गाय थी वो हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर से मुसलमान बहुत नफरत करते थे, तो दोनों इसके खिलाफ हो गए। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की और ये पहले भारतीय थे जो हरियाणा भारत की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़े थे, पहले क्रांतिकारी जो फांसी पे चढ़े। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहले क्रांतिकारी कौन थे जो भारत की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़े, तो वो मंगल पांडे 34वीं टुकड़ी के बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल के एक सिपाही थे। इसकी शुरुआत अगर पूछे तो बंगाल से इसकी तिथि रखी थी दोस्तों 31 मई 1857 को हम क्रांति करेंगे पूरे भारत में, लेकिन इसकी शुरुआत करनी पड़ी 10 मई 1857 को, क्योंकि रंगून से जो फिरंगी सेना बुला ली गई वो सेना भारतीयों से कहीं ज्यादा थी। तो उसको देखते हुए मंगल पांडे ने क्रांति 10 मई को शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल से उन्होंने शुरू की और हरियाणा में क्रांति अंबाला से शुरू हुई सबसे पहले। वह उस टाइम हरियाणा यूपी का हिस्सा था, तो मेरठ से भी हम बोल सकते हैं। और जो हरियाणा में इस क्रांति का कैसे पता चला, क्योंकि जो राव तुलाराम थे जिनका संबंध रेवाड़ी से था, उनके भाई जो गोपाल थे वो ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा थे, एक फौज का वो सिपाही था, गोपाल नाम था उसका। और अंबाला से ये क्रांति शुरू हुई 13 मई को, जो राव तुलाराम थे वो अंग्रेजों से टकराए थे नसीबपुर नारनौल में। किस अंग्रेज से टकराए? सारवस। वह बाद में इनकी मृत्यु हो गई, ये काबुल चले गए थे। तो 23 सितंबर को इनकी याद में हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो HSSC के एग्जाम में इस क्रांति से 2 क्वेश्चन थे कि 23 सितंबर को हम किसकी याद में शहीदी दिवस मनाते हैं, तो राव तुलाराम 23 सितंबर को। और जो बल्लभगढ़ से किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी, तो उनका नाम पूछ रखा था। तो नारनौल से रेवाड़ी से नेतृत्व किया राव तुलाराम ने। अब अलग अलग जगह ये क्रांति फैल गई थी हरियाणा के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन कई जगहों पे अंग्रेजों का भी साथ दिया गया। तो हम उनके नाम पढ़ते हैं कि किस जिले से अंग्रेजों का साथ दिया गया और किन रियासतों ने वकीनों ने इनका 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, अपना बलिदान दिया। तो सबसे पहले हम पढ़ें जो मेवात से सदरुद्दीन मेवाती, पानीपत से इमाम अली कलंदर, खरखोदा से, सोनीपत में है ये, विसारत अली ने,
पानीपत से इमाम अली कलंदर, खरखोदा से विसारत अली व पलवल से गफूर अली, पलवल से गफूर अली फरुख नगर से मोहम्मद अली, झज्जर से अब्दुल रहमान। इन पे क्वेश्चन आया था स्टेट में कि झज्जर से नेतृत्व किसने किया था, तो अब्दुल रहमान। फरीदाबाद से दानू सिंह जाट ने, दानू सिंह जाट। वो फरीदाबाद में बल्लभगढ़ से पूछे तो वो राजा नाहर सिंह ने दिया था, राजा नाहर सिंह। पलवल से गफूर अली व हर्षुक को भी कंसीडर किया जाता है दोस्तों। तो ये मेवात से सिदरुद्दीन मेवाती, पानीपत से इमाम अली कलंदर और खरखोदा से गफूर अली व हर्षुक, फरुखनगर से मोहम्मद अली नहीं दोस्तों, ये अहमद अली है, अहमद अली, अहमद अली। झज्जर से अब्दुल रहमान, फरीदाबाद से दानू सिंह जाट, बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह, पानीपत से इमाम अली कलंदर। दादरी से किया था बहादुर जंग ने, बहादुर जंग। वो संपूर्ण भारत का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, जो मंगल पांडे ने जो रणनीति बनाई थी कि जो मंगल पांडे ने बोला कि जो बहादुर शाह जफर है जो दिल्ली का अंतिम मुगल शासक था वो इसका नेतृत्व करेंगे, लेकिन उनकी आयु 80 वर्ष थी दोस्तों। अगर उनकी जगह कोई यूथ का बंदा होता तो शायद उस क्रांति में ज्यादा आक्रोश होता। तो बल्लभगढ़ से राजा नार सिंह, हांसी से किया था हुकुमचंद जैन, हांसी से हुकुमचंद जैन, हांसी। इनके नाम आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वो भट्टू से मोहम्मद अली, यहाँ पे जो मोहम्मद अली हमने लिख दिया था तो वो भट्टू फतेहाबाद से मोहम्मद अली, ये एक सरकारी कर्मचारी थे दोस्तों। तो आपसे पूछे कि कहाँ से एक सरकारी कर्मचारी ने भी नेतृत्व किया, तो आपसे भट्टू ना देके फतेहाबाद दे देगा तो आपका राइट आंसर होगा। उसका नाम भी पूछे ज्यादा डिटेल में तो मोहम्मद अली। रानिया से नूर मोहम्मद खान, रानिया जो सिरसा में है वहां से नूर मोहम्मद खान, नूर मोहम्मद खान। तो आपसे पूछे कि नूर मोहम्मद खान ने कहां से किया, तो रानिया सिरसा से नेतृत्व किया। सांपला से सब्र खा, सांपला रोहतक से सब्र खा व दुजाना से हसन अली। तो ये ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए कि हसन अली। ग्यारह से बारह नेतृत्व हैं अलग अलग जिले से किए गए, तो आपको इनके नाम याद रखने चाहिए। सबसे पहले सदरुद्दीन मेवाती ने मेवात से, पानीपत से इमाम अली कलंदर, पानीपत में बू अली शाह की कलंदर भी है, वो दरगाह भी है बू अली शाह कलंदर, वो भी हम पढ़ेंगे। खरखोदा से विसारत अली ने, पलवल से गफूर अली व हर्षुक ने, दुजाना से हसन अली, फरुखनगर से अहमद अली, भट्टू से मोहम्मद अली, झज्जर से अब्दुल रहमान, फरीदाबाद से धानू सिंह जाट, फरीदाबाद में प्रॉपर जगह बल्लभगढ़ से राजा नार सिंह, हांसी से हुकुमचंद जैन और बहादुर जंग ने दादरी से, सांपला से सब्र खां। तो इन्होंने किया इस क्रांति का नेतृत्व अंग्रेजों का विरोध। तो आपसे अगर ये पूछे कि अंग्रेजों का विरोध किसने किया, तो यही रहेंगे, कंफ्यूज मत होना, लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो हम करेंगे अब। जैसे
जींद, नाभा, पटियाला, लोहारू, जयपुर, ये रियासतें जो थी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद, नाभा, पटियाला, लोहारू, यहां से अंग्रेजों ने साथ दिया था। जयपुर हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जयपुर, यहां के नवाब होते थे जो अंग्रेजों का साथ देते थे। वह इनमें अगर प्रॉपर इनके नाम पूछे जाएं तो पटौदी से दिया था मोहम्मद खान ने, मोहम्मद खान पटौदी से अंग्रेजों का साथ दिया था। पटौदी गुरुग्राम में, वह सांपला से मिर्जा अली ने सांपला से अंग्रेजी रियासतों का साथ दिया था। सांपला रोहतक, वह जींद से स्वरूप सिंह तो ये तो वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और जो पहले थे उन्होंने इस क्रांति का साथ दिया, अंग्रेजों का विरोध किया। अब हम पढ़ेंगे जो अंग्रेज थे जिनको नियुक्त किया गया था मेन इस क्रांति को रोकने के लिए, वो हरियाणा के किस किस जिले में आए थे। जैसे रोहतक में हडसन आया था, और हडसन जो भारत में ही इस क्रांति को दबाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया उसने, हडसन। इससे क्वेश्चन आया था कि रोहतक से क्रांति को किसने दबाया था, किस अंग्रेजी ने, तो वो हडसन था। वह गुरुग्राम से मेजर एडन तो ये दो थे जिनको कंसीडर किया जाता है। वह जो फांसी की बात करें, नूर मोहम्मद को हरियाणा में पहली फांसी हरियाणा में, भारत में सबसे पहली फांसी जो मंगल पांडे को दी गई थी हरियाणा में, नूर मोहम्मद को, वह अब्दुल रहमान को, इन्होंने झज्जर से नेतृत्व किया, राजा नाहर सिंह को, इनको भी फांसी दी गई थी इस क्रांति की वजह से। अहमद अली को भी दी थी फांसी दोस्तों। वह अंतिम फांसी की अगर बात करें, पहली फांसी दी नूर अली, अंतिम फांसी दी गई थी जो दादरी से नेतृत्व किया था, निहासी से हुकुमचंद जैन। तो दोस्तों जिनको फांसी दी गई उन पे क्वेश्चन बनने लाजमी है, और जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आगे बढ़ के हिस्सा लिया उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, और वो रियासतें जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और ये अंग्रेजी लीडर जिन्होंने इस क्रांति को दबाने की कोशिश की। तो इस क्रांति में अगर हम ये जाने कि जो पूरा भारत का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, वह इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको घोषित किया था वीर सावरकर ने, अंग्रेजों ने इसे एक सैनिक विद्रोह माना था। इस क्रांति में बहुत सारे लोग मारे गए थे दोस्तों। वह इसके बाद जो वायसराय का पद शुरू हो गया, गवर्नर जनरल का पद खत्म करके ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन चला गया। वह 1858 का भारत सरकार अधिनियम लेके आए। तो हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्रांति में ये क्रांतिकारी ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं, इनके नाम आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्ट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें हरियाणा से किसने हिस्सा लिया, फिर हरियाणा से जो गांधी जी की अलग अलग टाइम पे गिरफ्तारी हुई थी, फिर धीरे धीरे करके जो सर छोटू राम, पंडित नेकी राम शर्मा, इन्होंने जो अपने अलग अलग पत्र चलाए थे, वह फिर
हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक नए स्टेट का हरियाणा गठन किया गया 1 नवंबर 1966। यहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों हम इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे हरियाणा का हर टूरिस्ट प्लेस, मंदिर, मस्जिद, मज़ारें सारे। तो आप बने रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए दोस्तों। अगर यहाँ से कुछ अगर एक दो बातें रह गई तो कल ज़रूर कवर करेंगे। नूर मोहम्मद, पहली फांसी, अंतिम फांसी, हुकुमचंद जैन, अब्दुल रहमान, राजा नार सिंह, अहमद अली को भी फांसी दी गई थी। राजा नार सिंह का क्वेश्चन आया था कि बल्लभगढ़ के क्रांतिकारी का नाम क्या था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का, जो राजा नार सिंह आंसर था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।